नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से भारत एग्री के एक नए वीडियो में। तो अभी जैसे ही मौसम में बदलाव आते हैं और आपके एरिया में जो वातावरण में नमी वगैरह है थोड़ी बहुत बढ़ने लगती है, वैसे धीरे धीरे करके आपके फसल में जो माहू कीट है उसका प्रकोप भी बढ़ने लगता है। इसका नियंत्रण बहुत ज़रूरी हो जाता है, इसके कारण आपके फसल में बहुत ज़्यादा गिरावट भी देखने को मिलती है। तो आने वाले समय में अगर आप चाहते हैं कि हमारे फसल में माहू का जो अटैक है वो ना हो, तो इस वीडियो को आपको आखिरी तक ज़रूर देखना है। इस वीडियो में आपको इसके संपूर्ण नियंत्रण के बारे में बताने वाला हूँ कि आप प्रिवेंटिव मेजर कौन कौन से ले सकते हैं या फिर आप रासायनिक तरीकों से कैसे उसका कंट्रोल कर पाएंगे, उसके बारे में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको माहू कीट का पहचान कैसे करना है। तो माहू जो कीट होता है एक समूह में लगना शुरू होते हैं, जिस भी जगह पर लगेंगे तो काफ़ी भारी मात्रा में वहाँ अटैक करते हैं। इसके शिशु और प्रौढ़ दोनों ही काफ़ी ज़्यादा घातक साबित होते हैं। तनों, पत्तियों, फूलों और फलियों से ये रस चूसते हैं और आपके पौधों को कमज़ोर और क्षतिग्रस्त बना देते हैं। और जहाँ पर ये बैठकर रस चूसते हैं वहाँ पर ये मधुस्राव भी कर देते हैं, जिसके कारण फंगस का भी अटैक आपके फसल में देखने को बढ़ जाता है। वो पत्तियाँ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाती हैं, जिसकी वजह से वो पीली पड़ जाती हैं और मुरझा के वहाँ से गिर जाती हैं। तो माहू कीट का प्रकोप सबसे ज़्यादा शुरू होता है सितंबर, जैसे ही थोड़ी बहुत आर्द्रता आनी शुरू हो जाती है आपके वातावरण में, और जब तक आर्द्रता रहती है तक गर्मी न शुरू हो जाती है, जनवरी फरवरी महीने तक इसका प्रकोप ज़्यादातर दिखाई देता है। फसल में बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रकोप दिखता है सरसों की फसल में, चना अगर आपने लगाया हुआ है वहाँ भी इसका अटैक दिख सकता है, मटर की फसल में, आलू की, धनिया, गेहूं इत्यादि ऐसी फसलें हैं जहाँ पर माहू काफ़ी घातक रूप से अटैक करता है। अब इसका नियंत्रण लेना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी पड़ जाता है, क्योंकि ये अगर झुंड में लगते हैं और एक बार लग जाते हैं वहाँ फैलना शुरू कर देते हैं। तो इसका नियंत्रण आप समय रहते ही कर लीजिए। अगर आप प्रिवेंटिव मेजर लेना चाहते हैं तो आपको कुछ मैं तरीके बता देता हूँ। तो पहला जो उपाय कर सकते हैं, पीले स्टिकी ट्रैप लगा दीजिए जगह जगह पे। अगर आपने एक एकड़ खेती की हो 10 स्टिकी ट्रैप आपको मिल जाएंगे बाजार में, बाम्बू में गाड़ के जगह जगह पे उसको लगा देने हैं। या फिर आप नीम तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, 30 ml मात्रा लीजिए और 15 लीटर पानी में अच्छे तरीके से मिला के आप उसका भी छिड़काव कर सकते हैं। तो ये कुछ प्रिवेंटिव मेजर हैं जो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, खुद से करने पड़ेंगे। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके फसल में माहू कीट का जो प्रकोप है वो थोड़ा बढ़ गया है और आप उसका नियंत्रण नहीं कर पा रहे प्रिवेंटिव मेजर से, तो आपको कौन कौन सी दवाइयों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो रासायनिक नियंत्रण के लिए आप पहली नंबर की जो दवा है आप इस्तेमाल कर सकते हैं, थायोमिथोक्साम 25% WG अरेवा नाम की दवा उपलब्ध कराई गई है धानका कंपनी की। इस दवा को आपको 8 ग्राम की मात्रा में लेना है और प्रति 15 लीटर पानी में अच्छे तरीके से मिला के आप छिड़काव के माध्यम से दे सकते हैं। या फिर दूसरे स्थान पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं एमिडाक्लोपीड 7.8 SL फार्मूलेशन वाला। ये आपको कॉन्फिडोर बायर कंपनी की दवा उपलब्ध कराई गई है। इस दवा को आपको 10 ml की मात्रा में लेना है और प्रति 15 लीटर पानी में अच्छे तरीके से घोल बनाना है और छिड़काव के माध्यम से अपनी फसल में देना है। या फिर किसान में आप तीसरे स्थान पर क्लोरोपायरीफास 50% प्लस साइपरमेथ्रिन 5% EC लारा 909 नाम से दवा उपलब्ध कराई गई। इस दवा को आपको 30 ml में लेना है, 30 ml की मात्रा लेनी है और प्रति 15 लीटर पानी में अच्छे तरीके से घोल बनाना है और छिड़काव के माध्यम से अपनी फसल में देना है। तो ये मैंने आपको तीन जो है रासायनिक दवाइयों के बारे में बता दिया। अगर आप प्रिवेंटिव मेजर से कंट्रोल नहीं कर पाए हैं माहू कीट की, तो इनमें से आपके बाज़ार में जो भी उपलब्ध है वो ला के अच्छे तरीके से घोल बना के आप छिड़काव के माध्यम से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये जो दवाइयाँ मैंने आपको बताई हैं ये कृषि डॉक्टर के द्वारा प्रमाणित हैं, आप निश्चिंत होकर इन सभी दवाइयों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको कोई और भी समस्या आ रही है तो आप भारत एग्री कृषि डॉक्टर संपर्क करना ना भूलिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर चैट के माध्यम से कॉल करके अपनी खेती संबंधित हो रही समस्याओं का समाधान ले सकते हैं। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करेंगे वीडियो में जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे आपको अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।